हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में। पोको की तरफ से पोको M4 सीरीज नवंबर के महीने में ही आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकती है। एंड पोको M4 सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन मिलने वाले हैं, पोको M4 रहेगा एंड पोको M4 प्रो रहेगा। पोको M4 प्रो जो है वो कल ग्लोबली लॉन्च हो गया है। सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन, सब चीजें कंफर्म हो चुकी है, प्राइस भी इवन कंफर्म हो गया है। एंड उससे अपन गेस कर सकते हैं कि इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M4 प्रो से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर यूरोप में लॉन्च किया गया है, इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर आ सकता है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये फोन, एंड क्या ये फोन लावा, अग्नि एंड रियलमी 8S से बेटर रहने वाला है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले लिटिल सी मन की बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पर आ जाओ भाई, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, काफी कम फॉलोअर्स हैं हमारी, वहां पर भी अपनी फैमिली बड़ी बना लो। वहां पर अपन लाइव सेशंस करने वाले हैं, गिव अवे वहां पर होने वाले हैं। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लेना। एंड हाँ, अगर आप टेलीग्राम भी यूज करते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर भी जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट न्यूज, डील्स, अपडेट्स, ये सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलेगी। सो यस, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज 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 दोनों चैनल को जाकर के ज्वाइन जरूर से कर लेना। चलो भाई, बात करते हैं पोको M4 प्रो के बारे में। स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो गिवन द प्राइस पॉइंट, बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाती है। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो बैक पैनल में पोको ने अपना कुछ एलिमेंट्स ऐड करे हैं। यहां पर टॉप में आपको एक बड़ा सा ब्लैक कैमरा आइलैंड मिलता है, जहां पर लेफ्ट साइड में आपको कैमरास दिए गए हैं, जहां पर दो कैमरास की हाउसिंग है, एलईडी फ्लैश आपको मिल जाता है, राइट साइड में पोको की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, ग्रेडियंट फिनिश में आपको फोन देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में अगर बात करें तो सेंटर पंचोल के साथ में डिस्प्ले दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स हैं, पतली सी चिन है। एंड कलर्स की अगर बात करें तो ब्लैक कलर में आपको फोन मिलता है, ब्लू कलर में आपको फोन मिलता है एंड पोको येलो कलर में आपको फोन मिलता है, तीन कलर्स में फोन देखने के लिए मिलता है। तो दिखने में फोन अच्छा है भाई, गुड लुकिंग फोन है एंड बिल्ड क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको ज्यादा शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं यहां पर डिस्प्ले के बारे में। तो 6.6 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, बड़ा डिस्प्ले है, अच्छी साइज का डिस्प्ले है। 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला आईपीएस एलसीडी पैनल यहां पर दिया गया है, जो कि 20:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ में आता है। 399 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है, 450 nits के आसपास ब्राइटनेस है, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। सो यस, कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बढ़िया रहने वाला है। गेमिंग की अगर बात करें तो 90Hz का रिफ्रेश रेट है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। तो ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो हालांकि IPS LCD पैनल दिया गया है, AMOLED यहां पर आपको नहीं मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले में यहां पर आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इस फोन को शक्ति देने के लिए इस फोन में भी लगाया गया है MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर। रिसेंटली ये प्रोसेसर हमको लावा अग्नि 5G में मिला है, उसके पहले Realme 8S में मिलता है। प्रोसेसर अच्छा है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी निकाल के देता है। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू आपको काफी कम देखने के लिए मिलता है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.4 GHz की पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, 2A76 वाले कोर्स मिलते हैं, 6A55 वाले कोर्स मिलते हैं, डे टू डे की परफॉर्मेंस बढ़िया आपको मिल जाती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए आर्म माली G57 MC2 GPU मिलता है, जो कि एक डुअल कोर GPU है, डिसेंट गेमिंग आपको करा देता है, गेमिंग में भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको LPDDR4X RAM मिलती है और उसी के साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है। यहां पर UFS 2.1 नहीं मिलता है, जो हमको Realme 8S में या लावा अग्नि 5G में मिलता है, यहां पर UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है। तो परफॉर्मेंस आपको यहां पर बढ़िया मिलने वाली है, परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की बात करते हैं, दो कैमरास यहां पर दिए गए हैं भाई, ओनली 2 कैमरास। पोको M2 प्रो में 4 कैमरास थे, पोको M3 प्रो में 3 कैमरास थे, पोको M4 प्रो में 2 कैमरास हैं, पोको M5 प्रो में 1 कैमरा आएगा एंड M6 प्रो से कैमरा गायब।
तो दो कैमरास का सेटअप यहाँ पर पीछे की तरफ दिया गया है। प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल्स का, उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है। अच्छी बात है भाई, दो कैमरास दिए गए हैं, दोनों कैमरास काम आने वाले हैं, 2-2 मेगापिक्सल्स के छोटू वैसे भी कुछ काम नहीं आते हैं। सो यस, यहाँ पर कैमरा सेटअप आपको अच्छा मिल जाता है। 50+8 मेगापिक्सल्स के दो कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS पर। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा आपको मिलता है। एंड सेल्फी कैमरा से भी 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाता है, कैमरा में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी का साइज काफी अच्छा है, डिसेंट साइज की बैटरी है, क्योंकि आजकल 6000, 7000 mAh की बैटरी हमको मिल रहे हैं। 5000 mAh की बैटरी, 6 नैनोमीटर का चिपसेट, मतलब बैकअप आपको अच्छा मिलने वाला है। लगभग एक दिन का बैकअप तो आपको मिल ही जाएगा भाई। 5000 mAh की बैटरी है, बढ़िया साइज की बैटरी दी गई है। इनकेस अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, तो बैटरी का साइज भी अच्छा है, फास्ट चार्जिंग भी अच्छी है, बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक भी मिलता है, उसको गायब नहीं किया गया है, ये काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलते हैं। IR ब्लास्टर भी यहां पर आपको दिया गया है, तो एक एक्स्ट्रा सेंसर यहां पर आपको मिलने वाला है, ये काफी अच्छी बात है। ग्लोबल वर्जन में NFC भी आपको मिलता है, इंडियन वर्जन में शायद आपको NFC देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद में सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, साथ में MIUI 12.5 एंड MIUI की माया, कहीं धूप कहीं छाया, बग्स भी मिलते हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपका डिसेंट रहने वाला है। इसके बाद में ऑडियो एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है, ऑडियो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। एंड उसी के साथ में एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, जहां पर मेमोरी कार्ड घुसड़ के आप अपने फोन में 1 TB तक की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, एंड दैट इज वेरी गुड। इसके बाद में बात करते हैं वेरिएंट्स की, तो ग्लोबली ये फोन 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, 4+64, 6+128। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो सीधे INR में बताऊंगा, यूरोपियन प्राइस नहीं बताऊंगा, कन्वर्ट करके बताऊंगा। 4+64 लॉन्च हुआ है 19,700 रुपए के आसपास, 6+128 लॉन्च हुआ है 21,500 रुपए के आसपास। अब दोनों वेरिएंट की अर्ली बर्ड सेल है, जो पहली फर्स्ट सेल वाला गणित रहता है भाई, तो 4+64 फर्स्ट सेल में अर्ली बर्ड सेल में आपको मिलेगा 17,100 का, एंड 6+128 मिलेगा 18,800 का। ये तो ग्लोबल प्राइस हो गई, इस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में नहीं आने वाला है। अब इस प्राइस पॉइंट को अगर मैं मेरे नजरिए से देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है भाई कि 4+64 इंडिया में आएगा 15,999 का, एंड 6+128 आएगा 17,999 का। जिस प्राइस पॉइंट पर ऑलरेडी हमको रियलमी 8S मिल रहा है 6+128, एग्जैक्टली उसी प्राइस पॉइंट पर आपको 6+128 पोको M4 प्रो देखने के लिए मिल सकता है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि क्या लगता है आपको फोन के बारे में, इंडिया में आएगा तो कैसा रहेगा, एंड क्या आप ये फोन लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।